everybody, welcome to the channel. My name is Ananta and आज के video में we're gonna burst some myths about law school. तो law school related काफ़ी अफवाहें हैं जो फैलती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो actually गलत हैं और लोग उनको perceive करते हैं while considering their law journey or whatever. उसमें भी कई सारी myths निकल के आई, इनमें से कुछ select करी हैं and today we're gonna answer or burst those myths. Let's get in. So the first myth is syllabus of law college और कॉलेज विल नॉट रियली हेल्प इन करियर. इट्स अ मिथ, इट्स अ टोटल मिथ. बिकॉज वाई विल वट यू स्टडी इन कॉलेज नॉट हेल्प इन योर करियर? आप आगे जाके वट एवर यू डू इन लीगल फील्ड आप क्या करने वाले हो? आप बेसिकली लॉ से डील करने वाले हो और लॉ से डील करने के लिए आपको लॉ आना चाहिए और लॉ आप पढ़ते ही कॉलेज में हो. इट्स अ मिथ, इट हेल्प्स. और ऐसा है कि कई चीज़ें नहीं कवर हो पाती तो आपको अपने आप भी कवर करनी पड़ती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉलेज का सिलेबस विल नॉट हेल्प यू अहेड. हाँ, इट्स नॉट सफिशियंट but it is important. My major grievance with choosing law as a career is that I often heard that litigation has become a family business where if you don't have a godfather, you will struggle. The only option for those without any connections are corporate work, which is a lot of deadlines and boring extra work. This is stopping me from taking up law. All right. So, it is true that if you do not have someone in your family who's already pursuing law or who's an advocate or whatever, you will face struggle. Legal field mein it is true ki aap struggle face karoge. Particularly agar aap advocate ki baat kar rahe ho who practices in court, right? There is struggle. Agar aapka koi nahi hai to aapko practice establish karne mein, clientele lane mein time lagega. और सालों लगते हैं फॉर यू टू एस्टैब्लिश अ करियर और अ गुड प्रैक्टिस इन लॉ. यू विल एटलीस्ट रिक्वायर 10 ईयर्स. तो आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, आपकी फैमिली इस तरीके की होनी चाहिए जो आपको 10 साल सपोर्ट कर सके. बिकॉज यू डू नॉट नो इन 10 सालों में कॉलेज के बाद आपको कितने क्लाइंट्स मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं. कभी आपको क्लाइंट्स मिले किसी साल किसी महीने, आपको बिल्कुल क्लाइंट्स नहीं मिले. तो इट इज़ a 10-year struggle, but once it is good, once you have a grasp over the over law and आपकी practice धीरे धीरे जमती, आपके connections बनते हैं और आपके पास धीरे धीरे cases आते हैं, you build upon yourself, you build upon your knowledge and your skills. धीरे धीरे it's a beautiful fruit, right? और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि you will just struggle, but you will struggle and that struggle इज़ लॉन्ग इनफ. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली उतना सपोर्ट कर रही है कि नहीं आपको. एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा करियर बनता है एडवोकेसी से, बहुत वेल डूइंग भी होते हैं, पर स्ट्रगल है, नो डाउट. दूसरी रही बात कॉरपोरेट वर्क की एंड लॉट ऑफ डेडलाइंस एंड बोरिंग एक्स्ट्रा वर्क, दैट डिपेंड्स कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं. यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इट्स बोरिंग? बिकॉज जब तक आप काम नहीं करोगे और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस बारे में आपको काम मिल रहा है, किस चीज़ पे आपको काम करना है, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि इफ इट्स बोरिंग और नॉट. पर हाँ, रही बात डेडलाइंस की, इट्स ट्रू दे मेक यू वर्क लॉन्ग लॉन्ग आवर्स. देर आर पीपल हु आर सिटिंग फ्रॉम मॉर्निंग 9 टिल नाइट 10-11 बजे भी, एंड इट इज़ नॉट अ बिग थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट लीगल फील्ड. सो या, दैट इज ट्रू. थर्ड मिथ इज दैट ओनली एडवोकेट्स आर द बेस्ट जॉब्स यू कैन गेट थ्रू लॉ. I want to be a civil judge, so that's why I'm opting law colleges for my BA LLB. Is that truth? It is not true at all. We've done this video in which we've talked about careers after law school. I would genuinely recommend you watching this video, क्योंकि इस वीडियो में अपन डिटेल में जाएँ, makes no sense because इस वीडियो में अच्छे से बात की हुई है इस बारे में. You can go ahead and watch this video. Let's move ahead. Okay, another misconception is that lawyers are busy and stressed. ये गलत नहीं है. लॉयर्स आर बिजी फुल स्टॉप, इज ट्रू. आर स्ट्रेस्ड, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट इट इज़ नॉट रियली कि स्ट्रेस्ड होता है. आई हैव सीन दे हैव अ वेरी गुड लाइफ. मतलब एक बार एस्टैब्लिश हो जाए आपकी प्रैक्टिस, एक बार आप यू आर इन टू द करियर, देन आपकी मतलब देन आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्ट हो जाती है. डेफिनेटली दे आर बिजी एंड स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. लॉ स्कूल इज ऑल अबाउट, यार मेरे को पसीना आ रहा है क्या? द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट लॉ स्कूल इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन. तो कौन सा कॉलेज मेमोराइजेशन के बिना होता है यार? देखो, इट इज़ अ मिक्स ऑफ इट. यू हैव टू रटाफाई सम थिंग्स जस्ट लाइक MBBS और एनी अदर डिग्री,
But it's not just about memorization. It is a lot about skills. It is a lot about extracurriculars. It is also much, much, much based on concepts and analysis a lot, right? So it is just not all about memorization. The next myth is, after college, when you become a lawyer, you are always in court. Okay, that is not true. You have कोर्ट के टाइमिंग्स उतने ही टाइम आप कोर्ट में रहते हो, वो भी जब आपका मैटर लिस्टेड है तब रहते हो. सो यू आर नॉट ऑलवेज इन कोर्ट. आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है. आई हैव वर्कड अंडर एडवोकेट. एक एडवोकेट थे जो ही वेंट ऑन हॉलीडेज व्हेनेवर ही फेल्ट. आई मीन अगर उनको लग रहा है कि यू नो नाउ आई नीड अ ब्रेक एंड आई कैन नॉट अभी रियली पुट 100% इन टू द वर्क, सो ही यूज्ड टू गो आउट. ही यूज्ड टू गो टू यू नो अब अलग अलग जगह, मैं उस जगह का नाम क्या ही लूँ, मतलब ऐसे कभी अब्रॉड कभी इंडिया में ही कहीं घूमने चले गए. यूज़ टू टेक 15-20 डेज ब्रेक ऐसे. तो ये चीज़ रहती है, आप अपने हिसाब से अपना ब्रेक स्ट्रेच कर सकते हो इफ़ यू नो कि आपके मैटर्स लिस्टेड नहीं है उस टाइम पे. नेक्स्ट मिथ इज दैट, एंड इट इज़ अ मिथ दैट इट गारंटीज यू अ हाई पेइंग जॉब. कौन है ये जो अफवाहें फैला रहा है भाई? इट कैन नेवर गारंटी यू अ हाई पेइंग जॉब. बी इट यूर इन NLU, still it can never guarantee you a high paying job. You need to be very, very hard working. You need to really put yourself into it. You should have a wide knowledge base. Aapki skills waisi honi chahiye. This reality sadly is that colleges these days are not able to place their students into good workplaces. Placement rates काफ़ी नीचे गिर चुके हैं और कई colleges तो अपने बच्चों को place भी नहीं करा पा रहे हैं. So it is not really so. आगे बढ़ते हैं. आगे शायद we have that kind of a question which we can talk about in detail. The biggest myth is that law schools are so boring, unlike every other college, that they are a bit professional. They don't have fests, proms, etc. Is that true? No, law schools are not boring. ऐसा नहीं है उनके. हाँ, माना कि वो bit professional होते हैं. They have more of a professional this activity is going on, but it is not true कि उनकी fests नहीं होते. बिल्कुल fests होते हैं. कितने बड़े बड़े fests होते हैं. और prom तो भाई पता नहीं कौन से colleges करवा रहे हैं, मैंने तो आज तक नहीं सुना ना मैंने देखा, but fests होते हैं. एंड ऐसा नहीं उनके concerts and everything. This is a myth, right? Depends on which college you're going, that also depends. Next one is that law school do not have good placements when compared to medical and engineering, and you have to work hard by yourself. College doesn't matter that much. देखो द सेम थिंग दैट वी डिस्कस्ड पहले कि अभी प्लेसमेंट रेट्स बहुत ज़्यादा डाउन चल ही रहे हैं ऑल ओवर. पर हाँ, मतलब यू कैन नॉट कंपेयर टू द इंजीनियरिंग वंस. और ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन. नॉट वेरी कॉमन. अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं इफ यू आर इन अ गुड कॉलेज. एंड कॉलेज डज मैटर. कॉलेज मैटर्स अ लॉट. सैडली येस, इवन इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू नो आपको नहीं मिलता है. मैं आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक नेक्स्ट सॉरी मिथ भी ली है अपन ने, जिसमें इस बारे में डिटेल में बात करेंगे. और आई एम सॉरी ये आगे बढ़ाते जा रही हूँ, बट उसमें सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा आपको. ऑल्सो प्लीज़ गिव एन ILNU रिव्यू अबाउट कल्चर, हॉस्टल्स, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, फैकल्टी एक्सेट्रा. इट्स नाउ बिन 4 years, दिस इज माई 4th year. ILNU के बारे में आई जस्ट टेल यू इन क्रिस्प. वो ये है कि कल्चर तो द क्राउड इज मिक्स्ड बिकॉज यू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात ऑल्सो एंड फ्रॉम ऑल ओवर, बिकॉज वो क्लैट से छट के आते हैं सारे बच्चे. सो दिस अ मिक्स ऑफ द क्राउड. हॉस्टल्स येस नाउ दे आर अवेलेबल. जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था तब कॉलेज हॉस्टल्स नहीं प्रोवाइड करता था लॉ को, बट नाउ इट्स प्रोवाइडिंग. प्लेसमेंट्स सी प्लेसमेंट्स आर नॉट रिलायबल बिकॉज एज आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है प्लेसमेंट का रेट. द नेक्स्ट इज इंटर्नशिप्स. तो इंटर्नशिप का भी सैडली इट्स लाइक दिस इज रियली ऑनेस्ट. माई बैचमेट्स एंड एवरीबडी आर अप्लाइंग टू 300 प्लेसेज, सेंडिंग मेल्स ओवर टू 200-300 पीपल एंड देर गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम मुश्किल से दो तीन जगह विच इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. फैकल्टी इज़ अ मिक्स ऑफ गुड एंड एवरेज फैकल्टी. सम आर एक्सट्रीमली प्रेशियस एंड कुछ ऐसे हैं जिनको जिनका मुझे नहीं समझ आता. आई डोंट डाउट देयर नॉलेज, बट आई जस्ट डोंट गेट देयर वे ऑफ टीचिंग. द नेक्स्ट इज अकेडमिक्स. तो निर्मा फोकसेस ऑन अकेडमिक्स मोर देन योर इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग. सो या बिकॉज हमारी क्लासेस चलती हैं सुबह 9 बजे से 8:45 से टिल 4, एंड द प्रेशर ऑन
द फोकस भी कह सकते हैं ऑन अटेंडेंस इज अ लॉट, इट्स 85% विच दे कंसिडर इट टिल 80 देन 75, बट या दे प्रेशर ऑन अटेंडेंस ऑल्सो, सो अकेडमिक्स पे वो ज़्यादा ही जोर देते हैं. दैट वॉज इन शॉर्ट. देन इज दैट दैट इफ यू वॉन्ट अ क्रैक अ गुड कॉर्पोरेट प्लेसमेंट यू नीड टू बी फ्रॉम अ टीयर वन और अ टीयर टू NLU, एक्सक्लूडिंग सम एक्सेप्शनल केसेस. दिस इज अ बिग रियलिटी. सैडली अच्छे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जो नीचे के NLUs हैं, यू आर नॉट एबल टू सिक्योर अ वेरी गुड कॉर्पोरेट प्लेसमेंट अगर आप NLU से नहीं हो तो. आई हैव सीन पीपल फ्रॉम माई कॉलेज एंड सम गुड प्राइवेट कॉलेजेस सो कॉल्ड कि दे हैव बीन वर्किंग विथ, आई विल नॉट नेम द फर्म्स ऑल्सो, तो बड़ी टीयर वन फर्म्स के साथ दे हैव बीन वर्किंग एज इंटर्नशिप्स, ठीक है, और उन्होंने एक महीने दो महीने काम किया और बीच में सेमेस्टर ब्रेक्स होते हैं, सेमेस्टर ब्रेक ले लेके सेम जगह से काम किया कि इनको PPO मिल जाएगा. इंटरव्यू के टाइम पे देयर वाज दिस अनदर पर्सन फ्रॉम एन NLU जिसने आके, शी डिड नॉट इंटर्न दैट रिजिडली लाइक अ पर्सन फ्रॉम माय कॉलेज डिड, बट जस्ट बिकॉज शी वाज फ्रॉम NLU शी इंटर्न फॉर सम टाइम एंड शी वाज गिवन अ प्लेसमेंट, प्री प्लेसमेंट ऑफर, एंड दिस पर्सन वाज नॉट सिलेक्टेड. सो सैडली दिस इज ट्रू. अगर आप NLU से नहीं हो, अगर आप नामी NLU से नहीं हो, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है. दे डू नॉट पिक स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्म्स, डू नॉट पिक स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट और लोअर NLUs, विच इज़ बैड, विच इज़ एक्सट्रीमली सैड, क्योंकि यार वो बच्चा उतना ही काम कर रहा है या शायद उनसे ज़्यादा काम कर रहा है और आप उसको नहीं दे रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द टैग ऑफ द कॉलेज. एटलीस्ट आप उस बच्चे की कैपेबिलिटी तो देखो, पर वो नहीं हो रहा है. और पता है फिर लास्ट में ही होता है कि वेन यू आर इन द फोर्थ और फिफ्थ ईयर, यू सो स्केर्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बिकॉज आपको पता है अब आप निकलने वाले हो बाहर एंड यू कैन नॉट रिलाय ऑन कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स. और जहाँ आप काम कर रहे हो एकदम खून पसीना बहा बहा के, ओके पसीना बहा बहा के, वहाँ से भी आपको पता नहीं है इफ एन NLU और एनी अदर स्टूडेंट विल टेक योर जॉब एंड गो अवे. मतलब देयर इज नो एनिमिटी विद द NLU स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, बट इट्स अबाउट द माइंड सेट कि अगर बच्चा उतना ही काम कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एन ऑफ अ कॉलेज टैग, यू हटाओ दैट पर्सन. थोड़ा सा बुरा लगता है ऐसा बींग फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज नॉट NLU स्टूडेंट. एंड हैव सीन पीपल वर्किंग हार्ड यार, ऐसा नहीं है कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चे हु नॉट फ्रॉम NLU डू नॉट वर्क हार्ड, दे वर्क वेरी हार्ड, बट दैट इज ट्रू. नेक्स्ट इज लॉ इज ईजी. नहीं मतलब ईजी तो ऐसे नहीं कह सकते, बट इट इज टेक्निकल, इट रिक्वायर्स यू टू बी एक्टिव इनफ, इट रिक्वायर्स यू टू बी वेरी एनालिटिकल. और ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट बी एनालिटिकल, आप पैदा नहीं होते हो एनालिटिकल, इट इज़ अ प्रोसेस. धीरे धीरे आप सीखते हो. फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर देर इज बीन अ ड्रास्टिक चेंज with respect to how I read, how I understand, how I analyze, how I judge stuff. So it's not easy, but it's very interesting. अगर एक बार आपको चस्का लग जाए ऐसा. Next myth is if you talk a lot, you should become a lawyer. भाई इतना ज़्यादा, मतलब ये तो मैंने भी बताया था इस वीडियो में कि मुझे यही बोल रही थी मम्मा, किसी से बात कर रही हैं उनकी कोई फ्रेंड से और वो बोल रही थी हाँ इसने तो लॉ लेने का सोचा है, तो वो कहती अच्छा हाँ हाँ ये तो बहुत बोलती है, इसके लिए तो अच्छा भी रहेगा. जस्ट बिकॉज यू टॉक अ लॉट डज नॉट मीन यू विल डू गुड एज अ लॉयर. जस्ट बिकॉज यू टॉक गुड डज नॉट मीन यू विल डू गुड एज अ लॉयर. पता नहीं ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, इट्स अ मिथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. द नेक्स्ट इज अ मिथ. अच्छा हाँ एक और चीज़ पिछले वाले उससे रिलेटेड, आपको अगर बोलना नहीं आता है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ नहीं कर सकते हो. वो आपको लॉ स्कूल पूरा सिखा देता है कि कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे आपको चीज़ों को सामने रखनी आनी चाहिए, आपके थॉट्स सामने रखने आने चाहिए. बस अगर आप अभी भी कंसिडर कर रहे हो कि आप लॉ आपको करना है कि नहीं और आप तब ये वीडियो देख रहे हो, तो आई वुड लाइक टू टेल कि यू नो वर्क हार्ड फॉर क्लैट एंड अदर एंट्रेंस टेस्ट्स क्यू एंड सिक्योर अ गुड कॉलेज. सैडली but it's important that you secure a good college, only then you get access to, you know, different perspectives from different people and good teachers and good placements and good opportunities. Law schools are hectic basically. It is not true, agar tum kuch nahi kar rahe ho, see academic pressure utna zyada nahi hai, par
इट इज ऑन यू, कॉलेज की तरफ से नहीं होता है, बट इट इज ऑन यू कि आप साथ घर बैठ के वापस जो आपने पढ़ा है लॉ उसको आप ढंग से यू नो रीड करो, अलग अलग जगह से आप उसको समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके केस लॉस पढ़ो, आप एक्स्ट्रा एकेडमिक्स के साथ, आपके मार्क्स के साथ साथ आप मूड्स में पार्टिसिपेट करो, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो, ADR में पार्टिसिपेट करो, बी इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो, यू मेक कनेक्शंस, डू कॉन्फ्रेंसेज, राइट पेपर्स, ट्राई टू पब्लिश दोज पेपर्स. तो दैट वेज इट बिकम्स हेक्टिक, क्योंकि यू कैन नॉट ऑलवेज और एनी टाइम रिलाय कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो इट्स ऑल सेट. यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स साइमल्टेनियसली. दैट सेंस में आप कह सकते हो कि हेक्टिक है, बट इट्स ऑल वॉलंटरिली. आप नहीं करना चाहो तो आप कुछ नहीं करो, आपको एकदम ऐसा लगेगा कोई प्रेशर ही नहीं है मेरे ऊपर. होप यू अंडरस्टैंड. विद दैट देर वॉज अनदर कॉमेंट इसी से रिलेटेड, बट इट इज 8 क्वेश्चंस लॉन्ग एंड इट इज मोर ऑफ अ क्यू एन ए, राइट? तो विल डू वन थिंग, विल मेक अ वीडियो ऑन क्यू एन ए और इस क्वेश्चन को अपन वहाँ ले लेंगे. भूमि, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. देर वर सम थिंग्स दैट आई रियली वॉन्टेड टू पुट फॉरवर्ड, जो मिथ हैं कॉलेज के बारे में, लॉ के बारे में. इफ आई मिस्ड सम प्लीज पुट दैम इन कॉमेंट्स. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. इफ यू नॉट वॉच्ड दिस वीडियो अभी तक, प्लीज 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 गो वॉच the video on toxicity in college. It is very very important for you guys to know, and I never stress you to watch a video in every way. पिछले वाले में भी बोला था इसको जाके देखो, तो अभी मैं यही कहूँगी इस वीडियो को जाके देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इस बारे में हम बात नहीं करते हैं. With that we come to the end of the video. I'll see you on the next Monday. Till then keep watching. Namaste.